लड़का क्यों नहीं आया? लड़का नहीं आया है? लड़का क्यों नहीं आया बताओ? अब इसके साथ खुश रहोगी ना? पक्का ना? भाई का वादा है। अगर लड़की को कुछ भी होता है तो उसका लड़का वाला का क्या गत होगा? चलो तुम शादी करके से खुश हो ना? आपका बेटा का जबरदस्ती शादी करा दिया? हाँ, जबरदस्ती शादी हो गया होगा। जबरदस्ती कोई किसी का शादी करा देता है क्या? जबरदस्ती कराया शादी। लड़का अच्छे से अपने ऐसे मुट्ठी में लेके ऐसे मांग भरा है। हाँ, जबरदस्ती शादी करा? बिल्कुल जबरदस्ती नहीं। लड़का अपनी माँ के दबाव में नहीं कह रहा था, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन लड़का कह रहा था हम करेंगे। जब ये माँ बार बार उसको धक्का देके, जब लिखित भी मांग रहा था तो कह रहा कुछ लिखित अभी कुछ, मेरे मोबाइल में सारा वीडियो है, हम आप लोग को दिखाएंगे। क्या गारंटी है कल जेल लड़का को घुसा के मरवाएगी, कुछ में जहर में दे दे, जो ये लड़का पे दबाव डाल रही थी। लड़का पूरा तैयार था शादी के लिए। खुश हो ना? देखिए लड़की शादी के बाद किस तरह से खुश हो गई है। ये बस सूचना दे दीजिए, बोल दीजिए न्यूज देख लेगी वो लोग। तू तो अब हंस दे, जबरदस्ती का यार सिंदूर है। हम लोग को भी बोली है, हमको तो बोली तुम एकदम घटिया हो, तुम मतलब क्या बताएं, छोड़िए इतना गंदा गंदा गाली दी है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। महिला है फिर भी नहीं बता सकते हैं, इतना गंदा पता नहीं। रिलेशनशिप में थी 5 साल से। 5 साल से लड़का शादी के लिए एग्री था? जी हाँ। तुम्हारा कैसा रिलेशन था? फिजिकल रिलेशन था? फिजिकल रिलेशन था। और लड़का कहाँ गया? इसकी मम्मी भगा दी। रात में थाना पुलिस आए थे क्या? जैसे ही प्रशासन आया ना, तो मुझे ये प्रशासन आया तो मैंने प्रशासन को बोली ना कि कहाँ लेके जा रहे हैं आप, तो बोले ना कि हम पास थाना बड़े बाबू से बात करवाने ले जाए, तो हम बोले कि हम भी चलते, तो बोले नहीं तुम यही रहो। तो बोले कितना देर में आएंगे, तो बोले ना कि 1 घंटे नहीं तो आधे घंटे में आ जाएगा। मैंने 1 बजे रात तक वेट किए, 1-2 बजे रात तक वेट किए, तो नहीं आया। तो मैंने अपनी मम्मी लोग को फोन करके मम्मी को बोली कि मम्मी देखो नहीं, मम्मी बोली अरे आ जाएगा। तो फिर जानती बता फिर नहीं आया, तो प्रशासन को ये लोग पैसा दे दी, तो प्रशासन उधर से उधर निकाल दी की मदद से भगा दी। हाँ, उधर से उधर निकाल दिया गया। क्या मैडम आपके पति अभी कहाँ है? दुकान पे। अभी थोड़ी देर बोले कि थाना में दोनों वहाँ से फिर दुकान गए ना, दुकान पर गए होंगे या थाना में होंगे, कहीं भी होंगे। आपका बेटा कहाँ है अभी? बेटा बाहर निकला। कहाँ बाहर गया है? कहीं भी गया हुआ है, कहीं भी आपको पता नहीं कहाँ गया है? चेन्नई के तरफ ही गया हुआ है। तो कल ब्याह किया, आज चेन्नई भाग गया? हाँ, तो क्या करेगा, मारी इसकी मम्मी मारी पूरा, और इसका 3-4 को गुंडा आया वो मारा। लेकिन एक मिनट मैडम, पूरा मोहल्ला तो कह रहा है कि आप कैमरा में देख लीजिए ना मैम, कौन मारा कौन नहीं मारा, कैमरा लगा हुआ है घर में, घर के अंदर घर के बाहर सब कैमरा में रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए। आपका बेटा जब जा रहा था तो ये उसका फर्ज था ना कि अपनी बीवी को बता के जाए, कहाँ गया? लेकर जाना चाहिए था ना बीबी को, कल शादी किया। उसको समझिए और उसको समझिए, वो हमको क्या बोल रहे हैं आप? अब तो तुम भारे हो गए तो नहीं यार, वीडियो भी है, हम दिखा देंगे समय आने तो। तुम जैसे बोले हो ना कि हम दिखाएंगे कोर्ट में, हम ही तुमको भी दिखाएंगे। अगर लड़का आता तो फिर बात ही क्या था, तब तो केस पलट जाता। मतलब तो यही है ना कि अकेले आए तो कोई मैटर सॉल्व नहीं, कंप्लेंट FIR हो गया है लड़का के, लड़का के परिवार के ऊपर FIR हो गया है। लड़का अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया। लड़का का मम्मी यहाँ नहीं आई? वो आएगी। वो अभी तक एडजस्टमेंट नहीं करना चाह रही है? वो अभी तक एडजस्टमेंट नहीं करना चाह रही है। एडजस्टमेंट करना रहता तो कल से लड़की को मारता परिवार को बुला के, कल परसों से अपने मारी, आज परिवार को बुला के मारी।